सामने आ रहे। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ यार। पंडित जी नहीं पता ना, कोई बात नहीं। चार पांच आदमी बैठ खड़े थे। एक मिनट, भैया हेलो मुकेश, तुम्हारा ड्रग बड़ा साइकिल आगे बड़ा। अरे कोई देता है धमकी देवेंद्र, जब चेहरा में तेल ले ले उल्टू चेहरा तो बंद। हाँ, नाम राजकुमार सिंह उर्फ मंगल, उर्फ मंगल राजकुमार उर्फ मंगल। घटना ये हुई कि बच्चा हमारा कल गांव से आया था, इनकी गाड़ी चला रहा था। ये फौजी बोलेगी ना, फौजी समझे, तो इनकी गाड़ी पर दाम भी थे उस पर, और 11 महीना से एक पैसा दिया नहीं उसको, और इन्होंने रात ले जाके इन्हीं के होटल पर था, होटल भी इन्हीं का, और गाड़ी में ले जाके बैठा रहे, गोली मार के मार दिया, और सुबह हम पर खबर करिए। सभी इन्हें बताया कि दो खेत राहुल से अलग गाड़ी खड़ी है, और राहुल गड्ढे में पड़ा है, डेड बॉडी मिली है सब। माँ थे, हम तुरंत चले, जैसे माँ आए तो कुछ नहीं, तो माँ थे फिर फ़ोन करो कहाँ हो, तो माँ थे फिर जे आए गए सब के माए रही वहाँ पे, जब पोस्टमार्टम पाए गए यहाँ आए कि कहाँ हो गए सर कोतवाली पे। माँ आप जी हम जी चाहते हैं साहब के इसके नाम FIR होनी चाहिए, ये गिरफ्तार होना चाहिए। उमेश, क्या हुआ था उमेश बता। शाम 10 बजे करीब मैं घर गया हूँ, और वहाँ राहुल होटल पे ही है, गाड़ी वहीं खड़ी है, और 3-4 लोग हैं हम। मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, सभी हम जो चले गए घर को आराम से। सवेरे फिर जो है होटल बार इन पे मुकेश भाई साहब इन पे फोन आया हो कि ऐसे ऐसे या नंबर गाड़ी यहाँ खड़ी है, और यहाँ में खून वून है, खून वहाँ पे कमानी पे और वहाँ पे सब पे बता रहे हैं कि खून है जो है यहाँ पे। तो वो मेयर जो है आए कि गाड़ी कहाँ भेजी, मैं कहूँ ना गाड़ी तो कहूँ ना गई, वहीं तो खड़ी है होटल पे, कि ना वहाँ गाड़ी ना, और ऐसे ऐसे या नंबर पर फोन आया हो। इनकी तो चलो इनकी राहुल हते वहाँ होटल पे, STD की चाबी भी वहीं पे ही, कह ले मैं यही में सोऊंगा, मैं इनकी तो यहाँ में सो जी हूँ तेरी राजी। हम जब रास्ते में जा रहे 3-4 लोग है, तो वहाँ जो भीड़ लग रही पुलिस भी वहाँ, तो वहाँ हमने देखी कि जो है ये राहुल वहाँ पड़ो वो, तो पुलिस बात यूँ ही उल्टो ही पड़ो, नहीं गोली वोली की तो कोई वो नहीं है। मतलब ट्रक तो इंगलास के आसपास है कहीं, उल्लंग इंगलास तो उल्लंग। अब ये तो जो भी है वो तो जांच बताएगी। आज सुबह कोतवाली में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना थी, पुलिस मौके पर गई, बाद में उस व्यक्ति की शिनाख्त हुई, तो ये पता चला कि वो व्यक्ति एक ट्रक का क्लीनर है, और जिसका ट्रक है वो ट्रक मालिक का ही ढाबा भी है,
ढाबे पर दो ट्रक खड़े थे उसके, एक ट्रक पर एक क्लीनर है उसी में सो रहा था, रखवाली कर रहा था, और ड्राइवर वगैरह सब छुट्टी गए थे, ट्रक खाली था। ऐसा लगता है कि उसी ट्रक को लेकर के जो बदमाश हैं वो कैसे आए ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन वो ट्रक को लेके गए और उसी ट्रक में ही उसको मार दिया, और वहाँ पे कोतवाली क्षेत्र में तालास की पुलिया पड़ती है वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया है। बाद में वो ट्रक भी गिलास क्षेत्र में बरामद हो गया है। इसमें पुलिस मुकदमा लिख करके कार्रवाई कर रही है और इन तथ्यों का पता लगाया जा रहा है कि इनका मोटिव क्या था, घटना क्यों हुई।